सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी सब्सक्राइब करें। हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज मेमन, द वॉइस ऑफ जनता, सबका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए बहुत ही खास स्टोरी। नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे ने यूपी की रहने वाली नाजिया तबस्सुम को अपने एग्जाम हॉल तक जाने के लिए मऊ से वाराणसी तक दिया साफ रास्ता। आइए देखते हैं क्या ये पूरी स्टोरी विस्तार में। यूपी गाजीपुर की रहने वाली नाजिया तबस्सुम अपना बेसिक टीचर सर्टिफिकेट BTC एग्जाम्स के लिए मऊ से वाराणसी जाने वाली थी। मऊ से वाराणसी की जो दूरी है वो 90 किलोमीटर है और ट्रेन से जाने के लिए करीब 3 घंटे लगते हैं। नाजिया का एग्जाम 3 फरवरी दोपहर 12 बजे वाराणसी में था, जिसके लिए वो सुबह 6:25 की ट्रेन मऊ से पकड़ने वाली थी और वही ट्रेन छपरा वाराणसी में 9:45 पर पहुंचने वाली थी, जो कि नाजिया के लिए तकरीबन दो घंटे से ज़्यादा का समय मिलता था उसे अपने एग्जाम्स में बैठने के लिए, अपने एग्जाम्स की तैयारी करने के लिए। लेकिन 3 फरवरी को कोहरे की फॉग की वजह से ट्रेन करीब 2.5 घंटा लेट चल रही थी और ये तय था कि नाजिया अपना एग्ज़ाम मिस कर देगी। तभी नाजिया के छोटे भाई अनवर जमाल ने रेलवे सेवा में ट्वीट किया और मदद की गुहार लगाई, जिसमें लिखा था, ट्रेन इज़ रनिंग डिलेड बाय 227 आवर्स एंड माई सिस्टर्स एग्जाम विल स्टार्ट फ्रॉम 12:00 इन वाराणसी, सो प्लीज़ हेल्प टू रीच। साथ ही ट्रेन नंबर और PNR नंबर भी ट्वीट किया गया और इस ट्वीट ने मानो अपना काम कर दिया। सारा वाराणसी डिवीजन हरकत में आ गया। फौरन मऊ वाराणसी स्ट्रेच को खाली किया गया, बाकी सभी ट्रेन सिंगल ट्रैक पर डाल दी गई और छपरा वाराणसी ट्रेन जिसमें नाजिया सफ़र कर रही थी उसे सिंगल ट्रैक पर डालकर दौड़ाया गया। और जैसे हम कहते हैं ना कि सच्चे मन से चाहो, किसी चीज़ को सच्चे मन से चाहो तो पूरी कायनात जुट जाती है उसे मिलाने में, तो वैसे ही पूरा वाराणसी डिवीज़न वो जुट गया था नाजिया को एग्जामिनेशन हॉल तक पहुंचाने के लिए। और फलस्वरूप ये हुआ कि छपरा वाराणसी ट्रेन अपने समय से 45 मिनट पहले वाराणसी स्टेशन पहुँच गई। हालाँकि ट्रेन मऊआ से 9:18 पर छुटी थी, नॉर्मल स्पीड से वो वाराणसी 12 बजे के बाद पहुँचती थी, लेकिन उस रोज़ 11:00 पर ट्रेन ने नाजिया को वाराणसी पहुंचा दिया। वाराणसी डिवीज़न के PRO अशोक कुमार ने कहा कि हमें बेहद खुशी हुई नाजिया की मदद कर। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी खास स्टोरी। आप कमेंट में बताइए कि आपको ये कैसी लगी और हम कोशिश करेंगे कि हर रोज़ ऐसे ही कोई एक स्पेशल स्टोरी लेकर आपके सामने आए। ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं फिरोज मेमन, द वॉइस न्यूज़ से, थैंक यू।